पंचायत बनाएंगे, अच्छे से विकास करेंगे और है अपना बिहार का सबसे अच्छा पंचायत बनाएंगे आदर्श। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ। बिहार के कई जिलों में बीते दिन पंचायत उपचुनाव हुआ। आपको बता दें कि भागलपुर में भी उपचुनाव हुआ, भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में भी उपचुनाव कराए गए। आपको बता दें कि साल 2022 में वहां से अनीता देवी जो तत्कालीन मुखिया थी उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस साल उपचुनाव कराए गए। और आपको बता दें कि उन्हीं की बेटी पायल शर्मा ने महज 21 वर्ष में वहां पर जीत हासिल की है और मुखिया पद पर अपने आप को खड़ा किया। आपको बता दें कि वो बेहद ज्यादा खुश नजर आ रही हैं और साफ तौर पर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं, सबसे पहले आप उन्हें सुने। हम अपने पंचायत को शिक्षित पंचायत बनाएंगे, अच्छे से विकास करेंगे और है इतना बिहार का सबसे अच्छा पंचायत बनाएंगे, आदर्श पंचायत बनाएंगे। और जो माँ ने सपना देखा था उसको किसने? उसको मम्मी का जो सपना है उसको उसी तरीके से पूरा करेंगे। अब वो मम्मी का सपना जो है वो मेरा अब सपना बन चुका है, अब उसको हम अपने तरह पूरा करेंगे। जनता का विश्वास कैसे जीतोगे? जनता का विश्वास तो मैं ऐसे ही जीत लिया और वो मेरे साथ है, तब तो आज हम इस पद पे हैं। तो उसका उनका जो सपना है, जो मेरा पंचायत के जो लोगों का सपना है, वो मेरा भी सपना है, उसको हम विकास तक पहुँचाएंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने पंचायत को विकसित पंचायत बनाएंगी, अपनी माँ का सपना पूरा करेंगी, यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगी, यहाँ पर विकास करेंगी। जो उनका सपना उनकी माँ ने देखा था वो सपना अब पायल पूरा करेंगी। आपको बता दें कि पायल शर्मा महज 21 वर्ष 6 महीने की है और वो बिहार की ऐसी पहली मुखिया है जो इतने कम उम्र में मुखिया पद पर उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि पायल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरोज चौधरी को 193 मतों से पराजित किया है और मुखिया पद पर अपना कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में हुए मुखिया उपचुनाव में कुल 8,160 मतदाताओं में से कुल 3,934 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें पायल शर्मा को 2,033 मत और उनकी प्रतिद्वंदी सरोज चौधरी को मात्र 1,840 मत प्राप्त हुए और पायल शर्मा ने 193 मतों से मुखिया पद पर कब्जा जमाया है। और घर की सबसे कम उम्र की मुखिया पायल शर्मा ने अपनी जीत पर काफी ज्यादा उत्साह दिखाया है और कहा है कि किस तरीके से वो अपनी माँ का सपना पूरा करेंगी, अपनी माँ उनकी माँ ने जो सपना देखा था कि वो उस पंचायत को विकसित पंचायत बनाएंगी, विकास करेंगी वहाँ के लोगों का, लोगों को सही तरीके से शिक्षा और जो सारी व्यवस्था होती है उस वो उपलब्ध कराएंगे, वो सारा सपना वो पूरा करेंगी। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार अनशॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट कर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।